हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज क्यों, आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेके आज हम बनाने जा रहे हैं MTR के गुलाब जामुन, जो बहुत ही इजी एंड क्विक बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्योंकि मैंने पहले 2-3 बार ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो हम फटाफट से रेसिपी देखते हैं कैसे बनाते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ हमें गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। उनके लिए है ना, मैंने ये एक मेजरमेंट कप ले लिया है। ठीक है, आप उस अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, आपको जो समझ में आए। इक्वल क्वांटिटी में हमें पानी एंड इक्वल क्वांटिटी में हमें शुगर लेनी है, मतलब दोनों की सेम ही क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे 1 कप हम शुगर ले रहे हैं तो 1 कप पानी जाएगा, 2 कप शुगर ले रहे हो तो 2 कप पानी जाएगा। अब जितना मतलब बनाते हो गुलाब जामुन, उस अकॉर्डिंग स्वीट्स डालना। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे ये 1 टेबल 1 पूरा स्पून डाल रही हूँ कटोरी, एंड ये दूसरा हाफ डाल रही हूँ। ठीक है, अब बस सेम क्वांटिटी में मैं शुगर भी पानी एड ऑन करूंगी। देखो यहाँ पे ये हो गया 1, एंड ये हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्वांटिटी रहेगी चाशनी बनाने के लिए। तो चलो हम बनाने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखो चाशनी को है ना उबालने के लिए रख दिया है। ठीक है, तब तक हम जल्दी से डव बनाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये बनाया हुआ है, ये अभी मैं दोबारा से बना रही हूँ इसको। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। और फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है कि 1 पैक में से 35 पीसेस बन जाएंगे, पर 35 नहीं बनते, 25 अराउंड इजिली बन जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो गुलाब जामुन प्री मिक्स है, वो हमने एक कढ़ाई में निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 मतलब ग्लास मिल्क ले रही हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल मिल्क है, ठंडा वाला। ठीक है, तो बस हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मतलब आटा को लगाएंगे। ठीक है, ज्यादा एक साथ आप मिल्क डाल दोगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल पिचकू से बन जाएंगे, तो आपके जो मतलब गुलाब जामुन है वो अंदर से पकेगी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हमें मिल्क इसमें ऐड ऑन करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और हाँ, आप ये मिल्क में ही डव को लगाए, पानी में मत लगाइए, पानी में बिल्कुल सॉफ्ट वाले नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे देखो मैं मिल्क से ये डव लगा रही हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड इजी बनते हैं फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर बनाना। तो चलो मैं पहले डव लगा लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना मिल्क है वो बच गया है। ठीक है, मतलब ये आधा ग्लास ही मेरा यूज हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और बस हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ये डव लगाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है फ्रेंड्स। ज्यादा देंगे तो ये है ना कि डव है ना ज्यादा कुछ मतलब एक होता है ना वो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें पूरा डव को लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 टेबल स्पून जितना घी ले लिया है, और बस घी से हम अच्छी तरह से कोट कर देंगे पूरे डव को, और 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये डव है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, स्मूथ हो जाए फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं कितनी यहाँ पे सॉफ्ट तरीके से उनको मतलब अच्छी तरह से डव लगा रही हूँ, ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा है, बस हथेलिया एंड फिंगर से ही करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो डव हमारा अच्छी तरह से लग गया है, मैं उसको 10 मिनट तक कवर करके छोड़ दूंगी फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छी तरह से डव हमारा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो चाशनी भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से उबल चुकी है। ठीक है, जो मतलब चीनी एंड पानी अच्छी तरह से प्रॉपर मतलब थिक हो चुका है, इसको हमें ज्यादा थिक नहीं करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने 3 इलायची ले ली है। ठीक है, इसको बारीक बारीक कूट दिया है, ताकि इसका गुलाब जामुन के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपके पास केसर अवेलेबल हो तो केसर भी डाल सकते हो, मैंने केसर नहीं डाला था, बट आप 3 से 4 केसर डाल दोगे तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कलर भी इसका आ जाता है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स हम गुलाब जामुन ये ऑयल में बना रहे हैं। ठीक है, आप घी में बनाना चाहो, देसी घी में तो बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ऑयल को है वो हीट करने के लिए रख दिया है। ठीक है, और डव भी हमारा 10 मिनट हो चुका है, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलो अब हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स इसमें से थोड़े से राउंड शेप में बनाऊंगी, थोड़े से लंबे शेप में बनाऊंगी। ठीक है, ताकि अच्छा लगता है खाने में भी, ठीक है, और बच्चे को भी पसंद आता है इसीलिए। ठीक है, आप राउंड शेप में बना सकते हो, आपके पास हार्ट वाला कटर हो ठीक है तो आप हार्ट शेप में भी बना सकते हो, जो आपको पसंद है। जो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों हथेलियों पे लेके बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ठीक है बिल्कुल राउंड राउंड शेप में बना रही हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको बनाने में
कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट ये जब बन जाता है इतना टेस्टी बनता है, यम्मी की बहुत अच्छा खाने में लगता है। आप एक बार जरूर ट्राई करना। और रियली ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कॉस्टली भी ज्यादा नहीं बनता कि बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, महंगा लगेगा, ठीक है। बल्कि आप बाहर से लाते हो, ठीक है, आपको पसंद है गुलाब जामुन, तो आप ये जरूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बातों बातों में हमारे मतलब सारे गुलाब जामुन भी बन गए थे और यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। हाँ, आप जब भी इसको फ्राई करोगे लो फ्लेम पे करना, हाई फ्लेम पे करोगे तो ये जल जाएंगे बाहर से, ठीक है, और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़े से गुलाब जामुन डाल दिए हैं, ठीक है, पकने के लिए, और लो फ्लेम पे ही पकूंगी। और ये रेड होने के बाद ऊपर आ जाएंगे फ्रेंड्स अपने आप, इसको ज्यादा हिलाना मत, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हुआ था और कितनी अच्छी तरह से हमारे गुलाब जामुन है वो प्रॉपर ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। ताकि ये हमारे गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छी तरह से बने हैं, ठीक है, और अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं है, तभी वो ऊपर फूल के आते हैं। तो देखो आप यहाँ पे हमारे प्रॉपर इतने ही ब्राउन करने फ्रेंड्स गुलाब जामुन, ठीक है। तो रेडी हो चुके हैं, बस इसको मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, और ये ठंडे हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे चाशनी है वो भी ठंडी हो चुकी है, ठीक है। तो बस अब मैं ये गुलाब जामुन है वो डाल दूंगी। ये मतलब चाशनी में डालने के बाद आपको 10 मिनट तक रखना है नॉर्मली, ठीक है। 10 मिनट के अंदर देखोगे, ठीक है, तो ये पूरे हमारे गुलाब जामुन है वो चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर लेगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर पे बनाया है, ठीक है। लगेगा कि आप बिल्कुल मार्केट से लेके आए हो, वैसा ही बिल्कुल टेस्ट आएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स डिब्बे में मेरे कितना स्पेस है, ठीक है, और अभी मैं 10 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी, तब आप देखना कि ये पूरा डिब्बा मेरा किस तरह। सकते हो ये हमारे 10 मिनट के बाद का रिजल्ट। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कितने हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, और प्रॉपर चाशनी से फील हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको इसको एक बार कट करके भी दिखा, ठीक है। और फ्रेंड्स हाँ, इसमें आप मतलब ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करना चाहो तो कर सकते हो, पिस्ता भी ऐड ऑन कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने एक आलमंड्स ले ली थे और छोटा छोटा ऊपर से ड्राई फ्रूट डाला था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया था फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि बच्चे को खाना था इसीलिए। तो फ्रेंड्स चलो मैं अब आपको एक बार कट करके दिखा देती हूँ कि कितना अंदर से सॉफ्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। और रियली फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और चाशनी आप बनाने में प्लीज ध्यान रखना, इसकी जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर इक्वल लेना, तब भी ये चाशनी इस तरह से बनेगी। तो फ्रेंड्स आप देखो कितना अंदर से चाशनी से पूरा फील हो गया है। तो ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।